गैंगस्टर और नेता रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद पुलिस आरोपियों की क्राइम कुंडली खंगाल रही है। इस हत्याकांड में तीन आरोपी लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण मौर्य शामिल हैं। इन आरोपियों में से एक आरोपी अरुण मौर्य के बारे में हरियाणा पुलिस ने बेहद अहम जानकारी जुटाई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अरुण मौर्य के खिलाफ हरियाणा के पानीपत में पिछले साल यानी कि साल 2022 में दो मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से एक मामला शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत फरवरी 2022 में अवैध हथियार रखने पर दर्ज किया गया, वहीं दूसरा मामला मई में मारपीट को लेकर दर्ज किया गया था। इस मामले में अरुण को जेल भी हुई थी। अधिकारी ने कहा कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आर्म्स एक्ट के तहत मामला जब दर्ज किया गया तब अरुण की उम्र लगभग 18 साल थी। अरुण दोनों ही मामलों में जमानत पर था। पुलिस अधिकारी ने आरोपी अरुण मौर्य के घर के लोकेशन की भी जानकारी दी है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपी अरुण मौर्य हरियाणा के पानीपत और उत्तर प्रदेश के कासगंज में अपने पैतृक गांव कादरवाड़ी में रह रहा था। मौर्य का परिवार कासगंज से है, लेकिन उसके दादा पानीपत में काम करते हैं। वहीं अरुण के चाचा सुनील ने भी अरुण के बारे में जानकारी दी है। चाचा सुनील का कहना है कि अरुण ने मैट्रिक की पढ़ाई की है। अरुण का एक 12 साल का भाई भी है जो पढ़ता है। सुनील ने बताया कि वो हाल ही में अपने पैतृक गांव कादरवाड़ी गए थे, लेकिन वहां पता चला कि अरुण ने अपने परिवार को बताया है कि दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए वो दिल्ली जा रहा है। सुनील ने कहा कि अतीक और अशरफ की हत्या के बारे में जानकारी तब मिली जब पुलिस अरुण के बारे में पूछताछ करने के लिए पानीपत से उसके घर पहुंची। संडे मान लो शनिवार को मैं गया था गाँव में, उसके बाद यहाँ से गया हुआ ये कह रहा था मैं शादी में जा रहा हूँ। परसों तो मैं गाँव से आया हूँ, मेरे को तो आज रिपोर्ट मिल गया कि मतलब ऐसे ऐसे बात हुई है। तो और मिलना हुआ था उससे? नहीं, वो वहाँ नहीं था, अपना कोई संपर्क नहीं है। ये मान लो मैं कल परसों आया हूँ सवेरे यहाँ गांव से, तो यहाँ न्यूज़ सुनी, सब कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे वारदात, तो मैं ऐसे कैसे वारदात है। अरुण नहीं, सबसे बड़े जेठ है उनके लड़का जी, इनके पापा दिल्ली रहते जी, और बहनी जी अरुण भर गया सब रहते जी। फिर जिनके पापा खत्म हो गए तो इन्हें घर ले आए, छोटे छोटे हमने रोटी करे खवाई जी। रहती है जो उदम करते हाँ हटकते हुए मेरे चाचा ने मान दी। 8-9 साल के अरुण तब से ही चले गए, और चले गए जब कहते सबके मांग के खाए रहो, मांग के खाए रहो, हमें ना मालूम कहाँ रहते। और परिवार में कौन हो, इनकी दो चाची है अरुण की, हम और भाई दोहरानी, बस अब वे आते ना आए यहाँ पर। उनके माता पिता भाई कोई ना अलग रहते अरुण सबसे? नहीं, अरुण अकेला भाई था और भी भाई थे? दो भाई हैं, वे काम करते हैं। कुल तीन भाई थे? हाँ। वो क्या करते हैं? वे खेती बाड़ी में काम कर लेते हैं, परिवार ऊपर गांव में रहते हैं। हाँ।